योगी को हटाने की हुई बात, तो देखिए यूपी का मुसलमान क्या बोला। कैमरे पर मुसलमानों की राय सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। यूपी में योगी को हटाने की खबर फैलते ही मुसलमानों के बीच पहुंच गया रिपोर्टर। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद यूपी में बस एक ही चर्चा जोर शोर पर है, वो है सीएम योगी को हटाने की खबर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सपा पार्टी के सामने चारों खाने चित नजर आई। बस इसी के बाद सीएम योगी को हटाने की चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल गई। इसी को लेकर जब हमारे रिपोर्टर मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचे, उनसे बातचीत की योगी को हटाने पर उनकी क्या राय है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। अब जब हटाने की बात चल रही तो कुछ तो पब्लिक ने देखा ही होगा जो हटाने की बात हो रही है। भाई पब्लिक ने कुछ देखा होगा जब हटाने की बात हो रही है। पब्लिक थोड़ी हटा रही, उन्हीं के गठबंधन में बात चल रही है भाजपा वाई। तो गठबंधन को तो और अच्छा पता, उन्होंने क्या गलत करा क्या सही करा, तो कुछ गलत ही। नजरों में कैसा है मुख्यमंत्री योगी? हम तो कुछ कह ही ना रहे। अगर उनके अपनों की हटाने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ गलत ही देखा होगा, तो हटाने की बात कर रहे हैं। आपकी नजरों में कैसे हैं मुख्यमंत्री? हमारी नजरों में तो ठीक ही है, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? अगर योगी हट गए तो भाजपा तो कमजोर पड़नी पड़नी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भाई एक परिवार में से एक इंसान अगर खत्म हो जाता है तो परिवार की कमर टूट जाती है, इसमें क्या बात। अब ये तो अवाम के ऊपर है, मेरे कहने से ना योगी हट रहे ना मेरे कहने से आ रहे, ये तो अवाम जैसे चाहे वैसा होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि कोई भी सरकार अगर आ जाओ तो सबके मन की तो वो कर नहीं सकती। अब ये बीजेपी की सरकार जब से आई है गुंडागर्दी तो खत्म हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी योगी यूपी में जब से आए, यूपी के रहने वाले, गुंडागर्दी खत्म है। आपके संभल में क्या होता था संभल? अब देखो ये ज्यादा बारीकी में तो मैं खैर नहीं जाता, एक मजदूर आदमी है। अच्छा हाँ, आप सब शांति ना, पता है कि गुंडागर्दी अब नहीं है जो पहले थी। हमारे गांव में धनारी में स्टेशन और गांव के दरमियान 2.5 किलोमीटर का फासला था, दिन मुदे के टाइम पर झूठ से बांध के डाल देते थे। आज रात के 12 बजे कोई अकेली औरत चली जाओ, आदमी चला जाओ, कोई डर नहीं है। तो इसमें क्या कहेंगे हम इस चीज़ को? ये कहेंगे गुंडागर्दी खत्म हो गई, जो हमने देखा जो हमने इस्तेमाल करा हम वो कहेंगे। यू कह रहे हैं योगी को हटाएंगे तो भाजपा मजबूत होगी? ये मतलब राजनीति जाना है, नेता लोग जाना है, हम क्या करेंगे। अच्छा, आप लोगों की नज़र में कैसे हैं योगी सरकार? सही है, बढ़िया है? बढ़िया। देखो जी, हमें तो हटाने से ना कोई फर्क, और अगर राजा हैं तो इंडिया यानी यूपी के राजा हैं, क्यों? लेकिन हम कौन होते हैं उनको हटाने वाले? नहीं, संगठन में बात चल रही है कि योगी को हटा के किसी और को। हम तो सभी के साथ हैं भैया। नहीं, एक बात तो बताओ, योगी सरकार में आई, योगी जी आए मुख्यमंत्री बने, तो बड़ी चर्चाएं चली कि योगी जी आए गुंडे भाग गए, योगी जी आए भूमाफिया भाग गए, योगी जी आए तो जिन्होंने माफिया गर्दी करी उन पर बुलडोजर चल गया। आप क्या सहमत करते हैं? नहीं खैर देखो, जो भाजपा सरकार आई है जब से गुंडागर्दी तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जो बात है, हाँ बिल्कुल, बहन बेटियों की इज्जत भी बिल्कुल महफूज है, जो पहले इस तरीके से मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाता था ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, आप अपना आप सामान दो अपना। तो आप सहमत हो योगी जी से? भैया हम तो सहमत ही हैं योगी से, ठीक है, हमें तो किसी से कोई नफरत है ही नहीं। अच्छा, अपना करना अपना खाना है। अच्छा जी हाँ, अगर अगर योगी जी की जगह कोई दूसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जब भी हम मेहनत करके खाएंगे और अब भी मेहनत करके खा रहे हैं। आप योगी को नहीं हटाना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए, बस ऐसे चलाओ। मुसलमानों को तो बड़ा परेशान किया योगी जी ने, बस जो करा वो करा, वो अपना भुगतगा। अच्छा, आपको नहीं करा? आप ठीक हो? हम तो ठीक हैं, हम तो जैसा पहले खा रहा था जब खा रहा है, और क्या करें। तो फिट है सरकार? क्या मत हटाओ, मत हटा मैं।